तो देखो मैं प्रसाद काट रहा हूँ। तू अभी ठेला को शुद्ध कर रहा है, देखो पानी मार के धो रहा है ठेला को। सरस्वती माता के जय, सरस्वती माता की जय, सरस्वती जाने के, सरस्वती महारानी की जय, सरस्वती महारानी की। तुम ले लो फाइनली मूर्ति विसर्जन, सबको देखो प्रसाद वितरण हो रहा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? तो हम लोगों ने किया था सरस्वती पूजा, और माफ़ करना मैं आपको फर्स्ट पूजा नहीं दिखा सका, क्योंकि फर्स्ट पूजा में मैं इतना बिजी था कि मैं खुद अपना एक सेल्फी तक क्लिक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी था यार। और एक दिन पहले आप जानते हो कि बारिश हो रही थी, तो सजाने उजाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इधर उधर से, और पूरा रात जगना पड़ा, और तरह तरह का सामान के लिए मार्केट जाना पड़ा, नोनिहाट रामगढ़ दौड़ना पड़ा। तो मैं ही इधर उधर जा रहा था, भैया घर पे थे और भैया पूजा पाठ का तैयारी कर रहे थे घर में, तो नहीं दिखा सका, उसके लिए माफ़ी। तो मैं अभी आपको सेकंड पूजा दिखाऊंगा, इसके बाद विसर्जन दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और अभी लगभग मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और भैया अभी नहाने गए हैं, अब वही फिर से सेकंड पूजा में बैठेंगे। तो अभी प्रसादी वगैरह कटा हुआ नहीं है, तो चलो हम पहले प्रसादी काट लेते हैं। उससे पहले एक बार आपको पहले सुबह सुबह माता रानी के दर्शन करा देते हैं, इसके बाद मैं प्रसादी काटूंगा। देखो जय सरस्वती मैया, देख लो यहाँ पे भैया पूजा में बैठे थे, और देखो कुछ इस तरह हम सजाए थे, चारों साइड से बैलून से सजा दिए थे, और ये सब शंभू भैया किए हैं हमारे। और ऊपर देखोगे बहुत ही मस्त सजाया गया है, देखो ऊपर देखो पूरा ऊन से सिर्फ सजाया गया है, जो स्वेटर बुना जाता है ना उसी ऊन से, देखो कुछ इस तरह दिखता था। और बाहर से कैसा दिखता है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो बाहर से कुछ इस तरह दिखता है। और जो बाइक जिसमें हम रखते थे ना वही वाला कमरा है, आपको देख के लगता भी नहीं होगा वैसा सजा ही दिया गया है। देख लो यहाँ पे गेट बना दिया गया है, और बैलून ना बहुत ही ज़्यादा लगाया था, वो फूट गया एक एक करके, धीरे 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 करके सब फूट गया। देख लो फिलहाल कुछ अभी इस तरह लुक है यहाँ का देखने का, चलो एक बार बाहर से दिखा देता हूँ। देख लो बाहर से कुछ इस तरह दिखता है, और यहाँ पे कल काफ़ी भीड़ था यार, बहुत सारे बच्चे आए थे, अभी भी बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो चलो 8 बजे का टाइम है, पूजा में भैया बैठ जाएंगे 8 बजे, तो प्रसादी कटा हुआ नहीं है, मैं जल्दी जल्दी काट देता हूँ। इसके बाद मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे फिर पूजा होगा वो भी दिखाऊंगा। और हाँ, मैंने आपको फर्स्ट पूजा नहीं दिखा सका, तो चलो मैं आपको फर्स्ट पूजा का मैंने 10 से 15 सेकंड का एक क्लिप बना रखा है, मैं डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना, ठीक है? तो चलो मैं पहले प्रसादी काटता हूँ, इसके बाद मिलता हूँ। एक दो मैं सिनेमेटिक शॉट्स ले रहा हूँ, ताकि मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकूँ रील्स के रूप में, वहाँ भी हमारे फैमिली मेम्बर को पता चल सके कि मैंने सरस्वती पूजा किया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, क्योंकि मैंने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं किया, मैंने आपको बताया ना। देखो हमारा जो वो बॉक्स है ना फुल चार्ज हो गया है, तो येलो लाइट जल रहा है उसमें अभी। तो देखो मैं प्रसाद काट रहा हूँ, और एक ये है काटने वाला, देखो इससे मैंने काटने का प्रयास किया लेकिन सक ही नहीं रहा है। कल सबको इससे काटा था गाजर वगैरह, देखो बहुत दम लग रहा है यार, देखो इसमें तो घुस ही नहीं रहा है, ऐसे दम जानते हो बहुत ही ज्यादा लग रहा है, देखे उसमें पतला पतला काटने का, उतना मोटा मोटा थोड़ी ये। हाँ, पतला गाजर भरून तुरंत कटेगा, देखो कट गया कैसे गोल गोल निकल गया ना। देखो फाइनली मैंने इतना प्रसाद काट लिया है, अभी और थोड़ा काटना बाकी है, थोड़ा और काटेंगे ताकि हमारा विसर्जन तक हो जाए। तो चलो कंटिन्यू अपने काम करते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे के बाद बाबा जी आ जाएंगे, भैया पूजा में बैठ जाएंगे और वहाँ भीड़ लग जाएगा। तो चलो कंटिन्यू अपना काम करते हैं। फाइनली देखो मैंने इतना प्रसाद काट लिया है जो कि पूजा तक हो जाए, इसके बाद हम फिर से काट लेंगे क्या? हाँ, फिर से काट लेंगे विसर्जन के लिए। तो चलो जल्दी हम नहाते हैं, तो कल ही जरूरत था, कल, हाँ, कल ही जरूरत, आज उतना लोग कम प्रसाद थोड़ी मांगे, आज ऐसे भी बहुत कम लोग आएंगे पूजा में। तो चलो पहले नहाते हैं, क्योंकि काफी लेट हो चुका है, लगभग 7:45 बजने वाला, 15 मिनट में बाबा जी आ जाएंगे, मैं घर में ही नहाऊंगा गर्म पानी से। तो फाइनली मैंने नहा लिया और गर्म पानी से नहाया, फिर भी बहुत ही ज्यादा ठंडा लगा, मुझे लगता है दुनिया का पहला आदमी होगा जिसको गर्म पानी में भी ठंडा लगता है। देखो मेरा हाथ कैसे कांप रहा है, फोन हिल रहा है जैसे जैसे। चलो अभी चलेंगे दोस्त के यहाँ, उसके घर में फूल लगा हुआ है, वहाँ से फूल लेके आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि पूजा में लगेगा ना। और देखो अभी कितना अच्छा धूप आ रहा है माँ सरस्वती के चरण में, सामने से धूप मार रहा है ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये प्लास्टिक हम खोल देते ना तो और भी अच्छा लगता, लेकिन अभी नहीं खोल सकते, जब टोटल करेंगे ना पूजा पाठ वगैरह हो जाएगा इसके बाद इसको खोलेंगे।
अभी देखो मम्मी पूजा करेगी, हम पूजा करेंगे, भैया पूजा करेंगे। आगे नहीं आला तो अभी लगभग 8:40 हो रहा है, लगभग 9:15 बजने वाले हैं, लेकिन पंडित जी अभी तक नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है उसको बुलाने के लिए जाना पड़ेगा। देखो हम लोगों ने अभी पूजा कर लिया और ऐसे पंडित जी आएंगे तो भैया फिर बैठेंगे पूजा में। और बैलून वगैरह देखो जड़ जड़ के गिर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने चिपका दिया था स्टिकर से, अभी देखो जड़ जड़ के गिर रहा है। और हम लोग प्लान बना रहे हैं कि विसर्जन हम लोग लगभग 11-12 बजे तरफ कर देंगे, क्या 11:30 बजे तरफ, 11 बजे तरफ हम लोग विसर्जन कर देंगे। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना यार। तो फाइनली भी पंडित जी आए थे, पूजा वगैरह सब हो गया है, अभी हम चलेंगे कलश विसर्जन करने और थोड़ी देर बात करेंगे फिर मूर्ति विसर्जन। फाइनली हम लोगों ने कलश विसर्जन कर लिया है और अब यहाँ पे जो है इसको सब समेट लेंगे, जो जो भसाना है उसको अलग कर लेंगे, कॉपी वगैरह जो चढ़ाया है उसको दे देंगे, इसके बाद हम करेंगे मूर्ति विसर्जन, कर ही देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटा में कर देंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग सिर्फ कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया है, यहाँ पे हम लोगों ने सब साफ वगैरह कर दिया और यहाँ पे देखो सब भर दिए हैं और मम्मी अभी खोइचा दे रही है माता रानी को। इसके बाद हम विसर्जन करने अभी हम और कृष्णा जाएंगे ठेला लाने और इसके बाद जाएंगे तालाब जहाँ पे अभी हम लोग कलश विसर्जन करने गए थे, वहाँ पे जाएंगे इसका विसर्जन करेंगे। इसके बाद ये सभी जो है ये सब खोलना पड़ेगा, तो अभी लगभग 2-3 घंटा और मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी जाते हैं ठेला लाने के लिए। तो फाइनली ठेला लेके आ गए हैं और देखो ये कहाँ चढ़ गया ऊपर, और सबका कोशिश एक ही है कि बैलून लेने के फेर में। हाँ सादा सादा तो देखो सब बैलून लेने के फेर में है, अब थोड़ी ही देर में हम मूर्ति निकाल लेंगे। ए, कोई किसी को मारेगा नहीं, अरे चप्पल पहन के कहा सब चढ़ गया रे। तो अभी ठेला को शुद्ध कर रहा है, देखो पानी मार के धो रहा है ठेला को। हो गया क्लियर हो गया। कोमल चलवे ना, तो चलो अब चलो जलार चलो। विद्या देके जाती है, विद्या देके जाती है। जय जय सरस्वती महारानी की, सरस्वती महारानी की। विद्या देके जाती है, विद्या देके जाती है सरस्वती महारानी की।
सरस्वती महारानी की, सरस्वती महारानी की जय। नमो नमस्ते सरस्वती भस्ते, सरस्वती भस्ते सरस्वती महारानी की, सरस्वती महारानी की जय जय। सरस्वती भस्ते गीत मेरी फोटो, गीत मेरी फोटो। अरे मोबाइल कर लिया बलवान जी जाएगा ना, चल जाएगा सीढ़ी है, सोचने से नहीं होगा ना, चल जाएगा तो फिर क्या करेगा। सरस्वती माता के नमो नमस्ते, नमो नमस्ते चाचानी चाने के, चाचानी चाने के सरस्वती माता के, सरस्वती माता के चाचानी जाने की चल में एक बार आती है, चल में एक बार आती है सरस्वती माता, नमो नमस्ते। चाबी यहाँ थोड़ा विष्णु के पास, चाबी पिछवाड़ा में ले 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 नहीं घुसा, नहीं घुसा, चल गया चल गया। फिर अरे ऊपर जा, ऊपर जा, तुम ले लो नागा छोटू, छोटू के साथ नागा संकेत, अभी सही बोले और चोर नहीं चांदी की, चांदी कौन पानी चल ले रूम चल ले राहुल जी बना उस साइड पकड़िए, हम नीचे रहते हैं ठीक, बढ़िया से पकड़िए है लोग देखे गिर पे हाथ से आराम से। फाइनली मूर्ति विसर्जन हो गया और देखो मैंने आधा नहाया है और जो भैया थे वो पूरा डूब गए, राहुल पूरा डूब गया, नहा लिया पूरा एकदम। प्रसाद वितरण हो रहा है, जाओ जाओ सब प्रसाद ले लो, जाओ प्रसाद ले लो सब जाओ। देखो प्रसाद वितरण हो रहा है, इसके बाद हम चलेंगे घर, ठंड बहुत ज्यादा लग गया। अरे जूठा आपसे को नहीं लेना, रिंकू प्रसाद ले लो, रो ले लो ना, ए भैया रिंकू दीजिए और कोई बचा कमाल ले। फाइनली हमने मूर्ति विसर्जन कर दिया और हम घर आ गए हैं, अब बस वो ठेला है उसको पहुंचाना है और भी बहुत सारा सामान है खोल खोल के पहुंचाना है, तो चलो एक एक करके पहुंचाना शुरू करते हैं।
तो गाइज अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा भी हो चुका था और मैं थोड़ा बिजी भी हो गया था क्योंकि पूरा टेंट वगैरह जो टांगा हुआ था वो सभी खोल लिया। इसके बाद चले गए थे मम्मी को लेकर मामा घर, फिर वहां से रिटर्न आए शाम शाम में, तो बिजी हो गए तो इसीलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग में मजा आया होगा, मजा तो काफी आया होगा। यदि मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।